Hello everyone, today I am going to teach you again birds and their nesting habits which are related to class 3. Dear student, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली में फीट एंड क्लॉज के स्ट्रक्चर्स भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर्स को देख रहे थे. बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जिनके जो फीट और क्लॉज होते हैं वो दूसरे बर्ड से मेल नहीं खाते हैं, दोनों में डिफ्रेंसिएशन होता है. इन्हीं टॉपिक्स के तहत हम लोग पिछले वीडियो में पर्चिंग बर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे. जो पर्चिंग बर्ड्स किस तरह के बर्ड्स होते हैं और उनके फीट और क्लॉज किस तरह के होते हैं जिसके चलते वो ग्राउंड से लेकर के इवन की ट्रीज पर वो रात दिन सर्वाइवल है, वो वहाँ जीवित रह सकता है, वो वहाँ सो सकता है. क्यों? क्योंकि उनका ग्रिपिंग जो है तो ब्रांचेज के प्रति बहुत ज्यादा होता है और उस तरह के बर्ड्स जो होते हैं तो पर्चिंग बर्ड्स होते हैं जिसकी चर्चा हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए थे. आज के इस वीडियो में हम लोग फीट एंड क्लॉज स्ट्रक्चर देखेंगे और देखेंगे कि वो क्लाइंबिंग बर्ड्स के पास में किस तरह के होते हैं. क्लाइंबिंग बर्ड्स हम आज देखेंगे कि क्लाइंबिंग बर्ड्स जो होते हैं, जो भी होते होंगे क्लाइंबिंग बर्ड्स, इनके एक्चुअली में फीट एंड क्लॉज के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं तो देखेंगे. द बर्ड्स लाइक पैरोट्स एंड वुडपेकर्स हैव टू टोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स एंड टू टोज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स और इस तरह के जो बर्ड्स जिस बर्ड की चर्चा हो रही है पैरोट्स या फिर वुडपेकर, वुडपेकर से यहां मतलब होता है कट फोड़वा. क्या होता है? कट फोड़वा. और पैरोट्स को तो हम लोग जानते ही हैं जिसको हम तोता कहते हैं. इनके जो क्लॉज पंजा या फिर फीट के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि दो पॉइंटिंग अपवर्ड, दो नुकीला जो होता है वो आगे की ओर होता है और टू टोज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स और दो नीचे की ओर होता है ताकि क्लाइंबिंग उन्हें पेड़ पर लटकने में क्या हो मदद मिलती. दीज टोज स्ट्रक्चर हेल्प क्लाइंबिंग बर्ड्स टू क्लाइंब अप एंड क्लिंग द बार्क ऑफ ट्रीज. और ये जो इन पक्षियों के जो दो टोज आगे की ओर और दो टोज पीछे की ओर जो होते हैं वो उन्हें मदद करती है पेड़ों पर, पेड़ों के ब्रांचेस से लटकने में. साथ ही साथ उनके उनके क्लॉज का, उनके टोज का जो कांटेक्ट है ब्रांच के बार्क के साथ सही तरीके से फिट बैठ जाए, इस तरह की बनावट होती है और पूरी तरह उनका वो टोज जो है सो क्लिंग कर जाता है बार्क से, छाल से जाकर के क्या हो जाता है चिपक जाता है और ये चिपकना उन्हें क्या करती है तो लटकने में मदद करती है और इस तरह से वो अपने आप को पेड़ों पर क्या करते हैं एडॉप्ट कर पाते हैं, अपने आप को सर्वाइवल बना पाते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे कि प्रेइंग बर्ड्स के फीट एंड क्लॉज किस तरह के होते हैं. प्रेइंग बर्ड्स से मतलब है सभी प्रकार के शिकारी पक्षी, जैसे कि वल्चर्स है, ईगल्स है, बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो कि शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं और वो दूर दूर तक अपने शिकार को अपने पंजा में लपेट करके उड़ सकते हैं. इस तरह के बर्ड्स के फीट और क्लॉज स्ट्रक्चर्स को देखेंगे. प्रेइंग बर्ड्स
बर्ड्स लाइक, वल्चर्स, ऑल्स, ईगल्स, हॉक्स, ईटीसी हैव शार्प क्लॉज, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉज, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉज, which help them to hold their prey firmly. इस तरह के बर्ड्स जो होते हैं जिन्हें कि हम शिकारी पक्षी कहते हैं, इनके इनके क्लॉज या फीट के स्ट्रक्चर से इस तरह के होते हैं कि आसानी से वो अपने शिकार को पकड़ के और उसको क्या करे, ठीक तरह से उसको दबोच करके रख सके। इस तरह की प्रवृत्ति होती है इन बर्ड्स, प्रेइंग बर्ड्स के पास में। और इन प्रेइंग बर्ड्स में सर्वमान्य है वल्चर्स, ऑल्स, ईगल्स, हॉक्स। यहाँ वल्चर से मतलब गिद्ध है, ऑल से मतलब उल्लू है, ईगल से मतलब गरुड़ या बाज है, और हॉक से मतलब भी बाज ही होता है। ये कुछ एक प्रेइंग बर्ड्स हैं जिनके फीट और टोज इतने मजबूत, इतने शार्प होते हैं कि ये आसानी से अपने शिकार को पकड़ के क्या कर सकते हैं, रौंद सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, वाटर बर्ड्स के फीट एंड क्लॉज किस तरह के होते हैं। वाटर बर्ड्स, the birds which have a waving structure between their toes are called water birds. जल पक्षी या फिर झिल्लीदार पैर वाले पक्षी कैसे होते हैं, किसे कहते हैं? तो वैसे बर्ड्स जिनके दो टोज के बीच में एक प्रकार का वेविंग स्ट्रक्चर हो, एक प्रकार का झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ हो, इस तरह के जो फीट या क्लॉज होंगे वो वाटर बर्ड्स के पास में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डक्स, गूज, स्वान, इटीसी, ये कुछ एक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके पास में वेब्ड फीट होते हैं। दीज वेब्ड फीट हेल्प वाटर बर्ड टू फ्लॉट इजिली ऑन वाटर। और ये जो वेब्ड फीट जो होते हैं वो उन जल पक्षी को मदद करते हैं आसानी से वाटर सरफेसेस के ऊपर तैरने में, उन्हें क्या करती है, मदद करती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्क्रैचिंग बर्ड्स को, खुरचने वाले जीव। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके पैर स्क्रैचेबल होते हैं, खुरचने लायक होते हैं। और इस तरह के पक्षी अपने शिकार को कहाँ से पकड़ते हैं, तो जमीन, ग्राउंड को खुरच के और वहां से अपने इंसेक्ट्स या शिकार को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो हम देखेंगे स्क्रैचिंग बर्ड्स के फीट एंड क्लॉज को। स्क्रैचिंग बर्ड्स the birds like roosters, hens, etc.
स्क्रैच द ग्राउंड एंड कैच देयर प्रे, कैच देयर प्रे और इंसेक्ट्स, इंसेक्ट ये खुरचने वाले जो पक्षी होते हैं, इनके इनके पैर इस तरह के होते हैं, पॉइंटेड होते हैं कि ये आसानी से ग्राउंड को क्या करते हैं, खुरच देते हैं, और खुरचने के बाद वहां से आसानी से अपने शिकार को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक वेडिंग, वेडिंग बर्ड्स, वेडिंग बर्ड्स। द लॉन्ग लेग्ड बर्ड्स, द लॉन्ग लेग बर्ड्स विच वेड इन वाटर, विच वेड इन वाटर इन सर्च ऑफ फूड आर कॉल्ड वेडिंग बर्ड्स, वेडिंग बर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्रेन्स, स्टॉर्क, हिरॉन्स इटीसी। ये कुछ एक बर्ड्स की प्रजातियां हैं जो कि लॉन्ग लेग्ड होते हैं, इनके पैर लंबे लंबे होते हैं, त्रिकोण शेप्ड होते हैं, ट्राइगोनल शेप्ड होते हैं, और ये आसानी से दलदली भाग हो या फिर पानी का बहुत सारा अंश हो उस क्षेत्र, नमी वाले क्षेत्र में भी अपने आप को सही से बैलेंस्ड करके और फिर अपने शिकार को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस तरह के जो पक्षी वेडिंग बर्ड्स होते हैं वो क्रेन्स हैं, स्टॉर्क है, हेरॉन्स हैं, ये सब कुछ एक हैं जो शिकार को पानी में ही जाकर के क्या करते हैं, या दलदली भूभागों में जाकर के ही अपने शिकार को प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट, पुनः हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे जिसमें हम नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।